अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैपिटल बजटिंग कैश फ्लोज। हम लोग कुछ डेफिनेशन देखेंगे कैपिटल बजटिंग जो है वो क्या होती है, और कैपिटल बजटिंग को जो है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर्पज़ के लिए किस तरह से यूज़ किया जाता है, और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो है हमारा द कैपिटल बजटिंग डिसीजन प्रोसेस जो है वो, कैपिटल बजटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, इवेल्युएटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अ फर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। हम क्या कर रहे होते हैं कैपिटल बजटिंग के जो है वो प्रोसेस, एक पूरा प्रोसेस है इवेल्युएट करने का, आइडेंटिफाई करने का और इम्प्लीमेंट करने का फर्म की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को। इट सीक्स टू आइडेंटिफाई इन्वेस्टमेंट दैट विल इन्हेंस द फर्म कम्पिटिटिव एडवांटेज एंड इंक्रीज द शेयर होल्डर वेल्थ। एक तो ये कम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन कर रहा होता है, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट को इसलिए आइडेंटिफाई किया जाता है ताकि ये कम्पिटिटिव एडवांटेज को जो है वो इन्हेंस कर सकें और शेयर होल्डर की वेल्थ को जो है वो मैक्सिमाइज कर सकें। द टिपिकल कैपिटल बजटिंग डिसीजन इन्वॉल्व अ लार्ज अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट फॉलोड बाय अ सीरीज ऑफ स्मॉलर कैश इनफ्लोज। पुअर कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर अल्टीमेटली रिजल्ट इन अ कंपनी बैंकरप्सी। अगर तो डिसीजन मेकिंग ठीक होगी, आप लोग कैपिटल बजटिंग को फॉलो करते हुए जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उसको जो है वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी को जो है वो अवेल करते हैं, तब तो जो है वो कंपनी ग्रो करेगी और कैश इनफ्लोज जो होंगे जनरेट होंगे, कैश फ्लोज जनरेट होंगे। अदरवाइज जो है अगर पुअर डिसीजन हो जाता है इन केस, तो फिर जो है वो कंपनी बैंकरप्टसी में जा सकती है। की नेक्स्ट हम लोग देखते हैं की मोटिव्स फॉर मेकिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या क्या मोटिव्स होते हैं उनको डिस्क्राइब करते हैं, थोड़ी उनकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं। सबसे पहला केस हमारे पास होता है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में क्या होता है, द मोस्ट कॉमन मोटिव फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर इज टू एक्सपेंड द लेवल ऑफ ऑपरेशंस यूजुअली थ्रू एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अ ग्रोइंग फर्म ऑफन नीड्स टू एक्वायर न्यू फिक्स्ड एसेट्स रैपिडली एज इन द परचेज ऑफ प्रॉपर्टी एंड प्लांट फैसिलिटीज। एक्सपेंशन में कंपनी जो होती है वो अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड करती है, कोई न्यू फिक्स्ड एसेट को परचेज कर लिया जाता है ताकि उनके जो है ऑपरेशंस एक्सपेंड हो और जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बेनिफिट्स जनरेट हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा कैश आउटलेज जो है वो जनरेट हो सकें। वो फिक्स एसेट कोई भी परचेज ऑफ प्रॉपर्टी हो सकती है या प्लांट वगैरह हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद जो है वो रिप्लेसमेंट, और सेकंड केस जो है रिप्लेसमेंट और रिन्यूअल का है। रिप्लेसमेंट और रिन्यूअल में क्या करते हैं, एज अ फर्म ग्रोथ स्लो एंड इट रीचेज मेच्योरिटी मोस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर विल बी मेड टू इंक्रीज एफिशिएंसी by replacing or renewing obsolete or worn out assets. Renewal may involve rebuilding, overhauling and retrofitting an existing fixed asset. Each time a machine requires a major repair, the outlay for the repair should be compared to the outlay to replace the machine and the benefits of the replacement. तो अगर कोई जो है वो कोई भी प्रोजेक्ट को जो है वो बेनिफिट जनरेट कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कैश फ्लोज जनरेट कर रहा है, तो उसकी जो है वो जो प्रीवियस जो है एसेट जो होता है उसको ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाता है और उसको जो है वो रिप्लेस कर दिया जाता है विद अ न्यू वन, और या रिन्यूअल केस होता है, ठीक है। इसमें जो होता है हमारे जो है किस लिए किया जाता है, हमारे जो है वो अपने ऑपरेशंस को, अपने बेनिफिट्स को इन्हेंस करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, कि ऑपरेशन जो है वो प्रॉपरली जो वर्क कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट जो है वो जनरेट करें, और इसको जो है वो हमारे जितना भी इसके ऊपर एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं उसको जो है वो बेनिफिट्स ऑफ रिप्लेसमेंट के साथ जो है वो कंपेयर करके देखा जाता है। अदर पर्पज़ के लिए क्या होता है, थर्ड केस में हमारा अदर पर्पज़ आ जाता है। अदर पर्पज़ के लिए सम कैपिटल एक्सपेंडिचर डू नॉट रिजल्ट इन द एक्विजिशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, इंस्टेड दे इन्वॉल्व अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऑफ फंड्स इन एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ फ्यूचर रिटर्न। दीज एक्सपेंडिचर इंक्लूड आउटलेज फॉर एडवर्टीजिंग कंपेन्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैनेजमेंट, कंसल्टिंग एंड न्यू प्रोडक्ट। अदर पर्पज़ के लिए किस तरह से हो सकता है कि हमारे पास या तो हम लोग एक्सपेंशन और रिप्लेसमेंट और रिन्यूअल केस की तरफ ना जाए, बल्कि उसके अलावा जो है दूसरे केस अदर पर्पज़ के लिए हम लोग जो है लॉन्ग टर्म जो है कमिटमेंट में या लॉन्ग टर्म फंड्स में जो है कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं जिससे जो है लॉन्ग टर्म रिटर्न जो है फ्यूचर रिटर्न जो है वो जनरेट हो सकें, तो उसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है। स्टेप कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं इनमें, जो है फाइव स्टेप प्रोसेस है। प्रपोजल जनरेट करना, ठीक है। सबसे फर्स्ट स्टेप प्रपोजल की जनरेशन होती है, रिव्यू एनालाइज उस प्रपोजल को जो है वो रिव्यू किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है उसका, फिर डिसीजन मेकिंग की जाती है, ठीक है। देन इम्प्लीमेंटेशन होता है एंड देन फॉलो अप एट द एंड। यहाँ पर हमारे पास कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं।
सबसे फर्स्ट टर्मिनोलॉजी जो हमारे पास है इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट. इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट क्या होते हैं? दोज प्रोजेक्ट दैट डू नॉट कम्पीट विद द फर्म रिसोर्सेज. अ कंपनी कैन सेलेक्ट वन और द अदर और बोथ एज लॉन्ग एज दे मीट द मिनिमम प्रॉफिटेबिलिटी थ्रेश होल्ड. मतलब वो ऐसे प्रोजेक्ट जो एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है, किसी एक प्रोजेक्ट के होने या ना होने से एक दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है. हम लोग एक प्रोजेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं और मोर देन वन प्रोजेक्ट भी जो है वो सिलेक्ट किया जा सकता है. और कंपनी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकती है जब तक उनकी प्रॉफिटेबिलिटी थ्रेशोल्ड जो है वो मीट नहीं करते हैं. सेकेंड हमारा जो है वो क्या टर्मिनोलॉजी है, हमारी सेकेंड टर्मिनोलॉजी है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट आर इन्वेस्टमेंट दैट कम्पीट इन सम वे फॉर अ कंपनी रिसोर्सेज. अ फर्म कैन सेलेक्ट वन और अनदर बट नॉट बोथ. कंपनी के जो प्रोजेक्ट हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं और एक को सेलेक्ट कर अगर एक को सेलेक्ट किया जाता है तो दूसरे को जो है वो रिजेक्ट करना जो होता है वो ज़रूरी होता है. कंपनी जो है वो दो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो एक को एक्सेप्ट करेगी और दूसरे प्रोजेक्ट को जो है वो रिजेक्ट करेगी. अच्छा जी, नेक्स्ट हमारी टर्मिनोलॉजीज है अनलिमिटेड फंड्स. इफ़ द फर्म हैज़ अनलिमिटेड फंड्स फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट then all independent project that provide returns greater than some specified level can be accepted and implemented. अगर तो किसी firm किसी organization के पास unlimited funds हैं investment के लिए तो वो एक से ज़्यादा project की में invest करेगी जो कि independent project हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उनके उनसे जो है वो benefits generate होंगे. ठीक है. और number 4 पे जो हमारी terminologies है वो है कैपिटल रेशनिंग की. कैपिटल रेशनिंग बेसिकली क्या होता है? हाउवर इन मोस्ट केसेस फर्म फेस कैपिटल रेशनिंग रिस्ट्रिक्शन सिंस दे हैव ओनली हैव अ गिवन अमाउंट ऑफ फंड्स टू इन्वेस्ट इन पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट एट एनी गिवन टाइम. उनके पास जो होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के पास लिमिटेड रिसोर्सेज लिमिटेड फंड्स होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए तो प्रोजेक्ट को जो है और गिवन टाइम जो होता है स्पेसिफिक गिवन टाइम होता है तो उस केस में उनको जो है वो ज़्यादा बेनिफिट जो हमारे प्रोजेक्ट जो है वो बेनिफिट ज़्यादा जनरेट कर रहे होते हैं उन्होंने उसमें इन्वेस्ट करना होता है. ये होते हैं हमारे कैपिटल रेशनिंग. क्योंकि और ये किस वजह से होते हैं? क्योंकि हमारे पास फंड्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड नहीं होते हैं. नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5 पे है हमारा एक्सेप्ट रिजेक्ट अप्रोच. एक्सेप्ट रिजेक्ट अप्रोच क्या कहती है? इट इन्वॉल्व्स द इवैल्यूएशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रपोजल टू डिटरमाइन वेदर दे मीट द फर्म मिनिमम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया. एक्सेप्ट रिजेक्ट अप्रोच जो है वो इस इवैल्यूएशन है बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रपोजल की कि हम लोग की जो जिस प्रोजेक्ट को हम जिस एक प्रोजेक्ट में हम लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं हम लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं वो किस बेस पे होगा. हम लोग इवेल्युएट करके देखेंगे कि उस वो अपने जो है ऑर्गेनाइजेशन के किसी फर्म के जो मिनिमम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है अगर तो उसको मीट कर रहा है वो प्रोजेक्ट तो हम लोग जो है वो उसमें उसको एक्सेप्ट कर लेंगे. अदरवाइज हम लोग जो है उसको रिजेक्ट कर लेंगे अगर वो मिनिमम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को मीट नहीं करता है. देन नंबर 6 पे हमारी आ जाती है रैंकिंग अप्रोच. इन्वॉल्व्स द रैंकिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन द बेसिस ऑफ सम प्री डिटरमाइंड मेजर सच एज द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. तो हम लोग जो है वो रैंक लेते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को. ठीक है. उनको जो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो कि प्री डिटरमाइंड होते हैं उनकी बेसिस के ऊपर उनको रैंकिंग की जाती है और जो बेस्ट वन होता है उसको चूज किया जाता है. नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7 पे आ जाती है हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी है कन्वेंशनल कैश फ्लोज की. कन्वेंशनल कैश फ्लोज क्या होते हैं? अ कन्वेंशनल कैश फ्लोज फॉर अ प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट इज टिपिकली स्ट्रक्चर्ड एज एन इनिशियल आउटले और आउटफ्लो फॉलोड बाय अ नंबर ऑफ इनफ्लो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. किस तरह से कि हमारा कन्वेंशनल आउटफ्लो जो होता है उसमें एक हमारा आउटफ्लो होता है. ठीक है. यहाँ पर आप लोगों को ये दिख रहा है कि $10,000 की अमाउंट जो है वन आउटफ्लो एट अ जीरो टाइम पीरियड और बाकी सारे जो हैं नंबर ऑफ ईयर नंबर ऑफ कैश इनफ्लोज हैं जो कि इसको जो है वो फॉलो कर रहे हैं. हमारे पास एक आउटफ्लो होगा कन्वेंशनल कैश फ्लोज में और बाकी सारे जो हैं वो रिमेनिंग ईयर्स में जो है वो नंबर कैश इनफ्लोज जनरेट होंगे फॉलोड बाय अ नंबर ऑफ इनफ्लोज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. इट इज़ अ सीरीज ऑफ इनवर्ड एंड आउटवर्ड कैश फ्लो ओवर अ टाइम इन विच देयर इज ओनली वन चेंज इन द कैश फ्लो डायरेक्शन. मतलब हमारे पास एक ही डायरेक्शन है कि एक आउटफ्लो हो गया और बाकी सारे इनफ्लोज होंगे तो ये एक सेम ही डायरेक्शन में जो है वो मूवमेंट हो रही है. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारी नंबर 8 जो है वो बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो कि इसके जो है वो रिवर्स है. हमारे पास नॉन कन्वेंशनल या इसको अनकन्वेंशनल कैश फ्लोज बोलते हैं.
अनकन्वेंशनल कैश फ्लोज बेसिकली क्या है? अनकन्वेंशनल कैश फ्लोज इज़ अ सीरीज ऑफ इनवर्ड एंड आउटवर्ड कैश फ्लोज ओवर टाइम इन विच देयर इज मोर देन वन चेंज इन द कैश फ्लोज फ्लोज डायरेक्शन। इसमें हमारे पास क्या होता है नॉन कन्वेंशनल या अनकन्वेंशनल कैश फ्लोज में, हमारे आउटफ्लोज और इनफ्लोज जो हैं वो मिक्स हो रहते हैं। लेट सपोज यहाँ पर जो जीरो टाइम पीरियड पे है $20,000 का जो है कैश आउटफ्लो है, और ईयर फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ में जो है वो इनफ्लोज जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। फिर फिफ्थ ईयर में हमारे पास फिर जो है $8,000 का आउटफ्लो है, एंड देन 6, 7, 8, 9, 10 ईयर्स में हमारे पास फिर नंबर ऑफ इनफ्लोज हैं। तो हमारे पास इसमें क्या होता है कि कभी जो है वो कैश आउटफ्लो हो रहा होता है, कभी इनफ्लो हो रहा होता है। इसको हम लोग जो है वो अनकन्वेंशनल कैश फ्लो बोलते हैं। मतलब हमारे पास जो है कैश फ्लो इज़ अ सीरीज ऑफ इनवर्ड एंड आउटवर्ड कैश फ्लोज, कभी इनवर्ड हो रहे होते हैं, कभी आउटवर्ड हो रहे होते हैं। ये तो थी हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो हमने डिस्कस की हैं। नेक्स्ट हम लोग जो है वो कैश फ्लो इनक्रीम रेलिवेंट कैश फ्लोज को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट पार्ट में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।